फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज का जो लेसन है वो है रूल्स फॉर चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज सीखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन रूल फॉर चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जब किसी वाक्य में आज्ञा यानी कि ऑर्डर, परामर्श यानी कि एडवाइस या प्रार्थना रिक्वेस्ट शो हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको फील हो रहा है कि वो ऑर्डर है या एडवाइस है या रिक्वेस्ट की गई है, ऐसा शो हो रहा है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो नहीं होता, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो यू, वो छुपा हुआ होता है। तो जो सेंटेंस है वो कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, और सेंटेंस फाइनाइट वर्ब से प्रारंभ होता है। और जो सेंटेंस होता है वो फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होता है। फाइनाइट वर्ब के बारे में अपने लास्ट कोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता चुकी हूँ वर्ब लेसन में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वर्ब क्या होती है और फाइनाइट वर्ब क्या है। फिर भी मैं बता देती हूँ, जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उन्हें हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो इस तरह की वर्ब हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार इस प्रकार बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे हम सेट को डेट या आक्स से बदलते थे, लेकिन अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम उन्हें जो भाव है उनका, जो फीलिंग है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम सेट की जगह ऑर्डर्ड या कमांडेड का यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है उसमें एडवाइस दी जा रही है, तो हम सेट की जगह एडवाइस या अर्ज यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसमें, तो हम रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड एंड ट्रीटेड जैसे वर्ड का यूज करेंगे। आगे है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इनफाइनाइट बना देते हैं। टू जोड़कर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती और उनसे पहले टू लगा होता है। तो टू जोड़कर हम इनफाइनाइट बना देंगे, या फिर आप कह सकते हैं जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते थे वहां हम असर्टिव सेंटेंस में डेट लगाते थे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते थे, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करेंगे, जिससे कि जो वर्ब है वो इनफाइनाइट बन जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है एज एक टीचर के द्वारा, तो हम सेट टू की जगह ऑर्डर का यूज करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, अब यहाँ देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम यहाँ पर टू का यूज करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। टू सिट इन योर को चेंज किया है हमने मी से, तो यहाँ पर आ गया माई, तो सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो ये था इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो रूल है वो है रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं। वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म बना देते हैं, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड कॉमा फ्रेंड्स। तो यहाँ जो फ्रेंड्स है वो एक वोकेटिव केस है। वोकेटिव जो केस होते हैं वो नाउन को ही इंडिकेट करते हैं,
ठीक है, वो एक तरह से नाउन ही होते हैं, और यहाँ पर वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इसको इनडायरेक्ट ऐसे बनाएंगे कि आप देख सकते हैं कि एक फ्रेंड को क्या करते हैं, एडवाइस दी जाती है, तो यहाँ पर सेट की जगह एडवाइस का यूज किया है, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। यहाँ पर ही एडवाइज हिज फ्रेंड, जो फ्रेंड था, जो ऑब्जेक्ट था, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट था जिसे हमने बाद में लिखा है, तो उसको अब हम पहले लिखेंगे। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने क्या यूज किया, टू यूज किया, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में बदल दिया जाता है, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट की जगह वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। टू तो अगर जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर टू का यूज तो होगा ही, लेकिन अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू नॉट से यूज हो स्टार्ट हो रहा है, तो जहां हम ऑर्डर या एडवाइस इस तरह के वर्ड यूज करते थे वहां पर अब हमें फॉरबेड का यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनी वन। इनडायरेक्ट बनाते हैं, द टीचर, अब सेड टू की जगह क्या यूज किया हमने, फॉरबेड, क्योंकि यहां पर डू नॉट का यूज हो रहा है, तो द टीचर फॉरबेड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू लगाया और ये जो डू नॉट है उसको हमने हटा दिया, या फिर आप कह सकते हैं डू नॉट की जगह टू लगा दिया है। पर आप एक ही चीज ध्यान रखिए, जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा वहां हमें टू लगाना है इम्परेटिव सेंटेंस में, अब्यूज एनी वन। नेक्स्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, परंतु इसमें रिपोर्टेड स्पीच में से केवल डू हटता है और नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है उसके भाव के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड, एडवाइस या रिक्वेस्ट में बदल देंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू ही हटाएंगे और नॉट के बाद टू का प्रयोग कर देंगे। तो ये दूसरा तरीका है डू नॉट वाले सेंटेंस को बदलने का, कि जैसे हम पहले या तो डू नॉट हटा के फॉरवर्ड का यूज करते थे, या फिर हम इस तरह से भी डू नॉट के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे योर फादर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो हम इसे कैसे बदलेंगे कि फादर हैं तो एडवाइस दे रहे हैं, तो योर फादर सेड टू की जगह अब हमने यूज किया है एडवाइस, द बॉय, नॉट को अब पहले ले आएंगे, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, नॉट पहले आ जाएगा क्योंकि अब हमने डू नॉट को नहीं हटाया है, डू को हटाया है और नॉट को हम पहले ले आए हैं, और नॉट के बाद टू वेस्ट हिज टाइम, क्योंकि जो टू है वो वर्ब से पहले ही आएगा, हमेशा वर्ब से पहले ही आएगा क्योंकि वर्ब को हमें इनफाइनाइट बनाना होता है। आप इसे फॉरवर्ड लगाकर भी बना सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए है कि अगर ऑप्शन आए तो आप इस तरह के सेंटेंस में कभी कंफ्यूज ना हो कि अगर डू नॉट है तो एडवाइस कैसे लग गया है, हमने तो फॉरवर्ड सीखा था, तो इस तरह आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस तरह के जो रूल है, इस तरह का सेंटेंस है वो भी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देख लीजिए, योर फादर सेड टू द बॉय नेवर वेस्ट योर टाइम, तो नेवर का यूज हुआ है, तो नेवर के सेंटेंस हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को वैसे ही बनाएंगे और नेवर को नहीं हटाते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, योर फादर, फादर है, एडवाइस देंगे तो एडवाइस द बॉय नेवर टू, नेवर के बाद टू लगेगा, वर्ब से पहले टू लगेगा, तो नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, योर को चेंज किया हमने द बॉय से तो आएगा हिज टाइम। आगे है, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का यूज होता है तो सेड को रिक्वेस्टेड से बदल देते हैं। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज या काइंडली का यूज करे तो
जनरली हम क्या करते हैं, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्लीज, सर प्लीज कर दीजिए, या इस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये आपके सुविधा के लिए वर्ड पहले ही दे दिए कि अगर सर प्लीज काइंडली तरह के वर्ड यूज हो रहे हो तो आप आंख बंद करके सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड टू रीना काइंडली हेल्प मी। तो यहाँ आप देख सकते हैं काइंडली यूज हुआ है, तो आप आंख बंद करके, मतलब सेड टू की जगह आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आएगा, एडवाइस आएगा या ऑर्डर आएगा, आप रिक्वेस्टेड ही लिखिएगा। तो शी रिक्वेस्टेड रीना काइंडली, जो वर्ड है वो हट जाएगा, काइंडली की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, या फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, या फिर वर्ब से पहले हमें टू लगाना है। ठीक है, टू हेल्प मी, सॉरी यहां पर मी चेंज होगा, मी को हम शी से चेंज करेंगे, तो जो भी निकल के आएगा, जैसे शी से चेंज करेंगे, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो क्या आएगा, हर, यहां पर आएगा हर। तो शी रिक्वेस्टेड रीना टू हेल्प हर। तो आप इसी तरह से प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, वो कभी भी गलत नहीं होंगे, जैसे मैंने अभी किया बिल्कुल, क्योंकि मुझे वो टेबल याद है, मुझे याद है 1 2 3 अपॉन सन, और मुझे याद है कि किसको किससे चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा कुड आई यूज योर पेन। इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई है कि मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ, इस तरह का जो सेंटेंस है, तो वहां पर भी रिक्वेस्टेड यूज होगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन, कुड आई यूज योर पेन, तो यहाँ पर मी का यूज कर किया गया है, क्योंकि यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट हम मी या हिम या हर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ शी रिक्वेस्टेड मी टू यूज माई पेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई यूज योर पेन के जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एक मुझसे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है वो मी का यूज किया गया है, तो आप मी भी यूज कर सकते हैं, तो या नहीं भी यूज करना चाहें तो आप नहीं यूज कर सकते, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड टू यूज माई पेन। तो अभी ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसके रूल्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज क्या करना है, रिव्यू देना है, कमेंट देने हैं, और अगर कोई डाउट है तो अभी आपको मुझे लिखना है, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय बाय, टेक केयर।